शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के चढ़ियार में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनमंच को लोगों की हर समस्या का प्रभावी निदान बताया। सरवीन चौधरी ने चढ़ियार में बख्शी प्रताप सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार पर त्वरित और स्थायी समाधान दिलवाना और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े, ऐसी योजना है। उन्होंने लोगों से अपनी समस्याओं के समाधान और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनमंच कार्यक्रम का भरपूर उपयोग करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरी आवास योजना के तहत वंचित गरीब लोगों का आवास सुविधा उपलब्ध करवाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को गृह निर्माण के लिए उदारता से अनुदान दिया जा रहा है। इस मौके पर सरवीन चौधरी ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 56 लाभार्थियों को निःशुल्क LPG कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की है। इस योजना से प्रदेश के 1,00,000 परिवार लाभान्वित होंगे। इन परिवारों की गृहिणियों को रसोई गैस सिलेंडर की जमा राशि और गैस चूल्हे के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार हर गैस कनेक्शन पर 3,500 रुपए का खर्च वहन कर रही है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि जनमंच के पूर्व की अवधि में कुल 197 मामले प्रशासन के समक्ष आए थे। इनमें सभी को जनमंच दिवस से पहले हल कर दिया गया है। जनमंच दिवस से पूर्व के 10 दिनों में म्यूटेशन के 80 मामले, विभिन्न प्रमाण पत्र 64, निशानदेही 4, शुद्धिकरण 2, नुकलात के 33, अवैध कब्जे हटाने के 3 और रजिस्ट्री के 3 तकसीम तथा 1 मामले को निपटाया गया है। इसके अतिरिक्त आपदा राहत में 8 लाभार्थियों को 2,00,000 से अधिक की राशि वितरित की गई है।